कानपुर के आचार्य नगर के भगवती विला निवासी कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया के 16 वर्षीय बेटे कुशाग्र की हत्या कर दी गई। कुशाग्र कल शाम 4 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए घर से निकला और वापस नहीं लौटा। रात करीब 9 बजे फिरौती के लिए पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें अल्लाह अकबर लिखकर अपनी बात कही गई। आज सुबह छात्र का शव फजलगंज थाना क्षेत्र में मिला। कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया की 16 वर्षीय अपहृत बेटे कुशाग्र कनोडिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कुशाग्र का शव फजलगंज थाना क्षेत्र से बरामद हुआ। रायपुरवा पुलिस ने ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला शिक्षिका रंजीता वत्स और उसका बॉयफ्रेंड प्रभात और शिवम को एक साथी के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। फिरौती न मिलने पर छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। कुशाग्र सोमवार दोपहर 4 बजे से लापता था। रात 9 बजे 30 लाख रुपए फिरौती के लिए पत्र आने के बाद परिवार को अपहरण की जानकारी मिली। पुलिस ने इस मामले में कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ने वाली शिक्षिका और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया। आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। रायपुरवा थाना क्षेत्र के आचार्य नगर निवासी कपड़ा कारोबारी मनीष कनोडिया का 16 वर्षीय बेटा कुशाग्र कनोडिया जयपुरिया स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। कुशाग्र सोमवार रात बड़ी बात करी 4 बजे ट्यूशन के लिए घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिवार वाले उसकी तलाश कर ही रहे थे कि रात 9 बजे स्कूटी सवार युवक ने घर पर फिरौती का पत्र डालकर फरार हुआ, तो परिवार को अपहरण की जानकारी मिली। अपहरणकर्ताओं ने कारोबारी के परिवार से 30 लाख के पति मांगी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस कमिश्नर जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी, निलाब्जा चौधरी, एडीसीपी आरती सिंह, फोर्स समेत कारोबारी के घर पहुंचे। इस बीच जांच में जुटी पुलिस को जीटी रोड स्थित गुंजन टाकेट के पास एक कुशाग्र की स्कूटी लावारिस हालत में खड़ी मिली। पुलिस प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद फजलगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली ट्यूशन टीचर रंजीता को हिरासत में लिया। ये युवती कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाती थी। इसके साथ ही उसके बॉयफ्रेंड प्रभात उर्फ शिवम और उसके साथी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पूरी रात पूछताछ के बाद सामने आया कि इन तीनों ने मिलकर कुशाग्र की हत्या कर दी है। शव को फजलगंज थाना क्षेत्र में ही छुपा कर रखा गया। आरोपितों की जानकारी के आधार पर पुलिस मंगलवार की सुबह फजलगंज थाना क्षेत्र से ही शव बरामद कर लिया। कुशाग्र की रस्सी से गला घोट कर हत्या कर दी गई थी। कल एक दुखद घटना रायपुरवा में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने की सूचना परिजनों ने दी और बताया कि एक पत्र उनके यहाँ एक व्यक्ति स्कूटी से आया था और मुंह पे कपड़े बांधे हुए था, वो एक पत्र लेकर गया है। हम लोगों ने तुरंत घटना का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और हमारी सब पूरी टीम, हम सभी सीनियर ऑफिसर घटनास्थल पर थे। हम लोगों ने एक एक चीज़ों को पूरी रात एग्जामिन किया।